हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल यूट्यूब हेल्थ टिप्स में स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा फैटीगू, थकान। अगर आप सैनिक में जाना चाहते हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ ही मीटर दौड़ने पर आप थक जा रहे हैं, सुस्त पड़ जा रहे हैं, थक हार करके बैठ जाते हैं, तो इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसे कि आप अपनी दौड़ को पूरी कर पाएंगे और सैनिक बनने का आपका सपना भी साकार होगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल हेल्थ टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी स्क्रीन पर ठीक नीचे में राइट साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टच कर दीजिए और बेल वाला आइकन दिखाई देगा उसको भी टच कर दीजिए, ताकि जो भी मैं इसी तरह से होम्योपैथिक हेल्थ संबंधित सुझाव वीडियो बनाऊँ वह आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। होम्योपैथ में एक दवा आता है, उसका नाम है कोका। होम्योपैथ में एक दवा आता है, उसका नाम है कोका। पहले इस दवा का प्रयोग पर्वतारोही करते थे। यह बहुत ही एक दुर्लभ पौधा है। हिमालय पर्वत पर बहुत ही ऊंचाई पर इसका पौधा उपलब्ध होता है। जब पर्वतारोही पहाड़ की चढ़ाई करते करते थक जाते थे तब इसकी दो चार पत्तियाँ तोड़ करके चबा लेते थे और कुछ ही समय के बाद ऐसा लगता था कि जैसे वह अभी यहीं से चढ़ाई शुरू कर रहे हैं, यानी कि यो समझिए कि जो थकान था उसका बिल्कुल कफूर हो जाता था। और दूसरा दवा आता है अस्ट्रेकुलिया, वह उसका फंक्शन पाचन शक्ति पर है, वह आपका पाचन शक्ति मजबूत रखता है, जिससे आप अधिक से अधिक भोजन करते हैं और आपको क्या होता है कि ताकत मिलता रहता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको आगे बता दूं, कोका मदर टिक्चर और अस्ट्रेकुलिया मदर टिक्चर दोनों में से 10-10 बूंद सुबह, दोपहर और शाम में वर्म वाटर के साथ 10 मिनट अंतराल देकर के दोनों को लेना है। सुबह में आप खाना खाने से पहले ले लीजिए, फिर दोपहर में और इसी तरह से फिर शाम को। आपको कुछ ही दिन दवा लेने के पश्चात आपको अपने बॉडी में ऐसा एहसास होगा कि नहीं, मुझे पहले के अपेक्षा ज़्यादा मैं ताकतवर हूँ या मुझ में अब कोई स्टेमिना की कमी नहीं रही। तो दोस्तों इस वीडियो से आप अपने को लाभान्वित कीजिए और आपके दोस्त भी अगर फौज की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों ऐसे ही होम्योपैथिक सुझाव लेकर के फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर कह दे रहा हूँ कि अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें।